आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए भी, कर्नाटक की राजनीति के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि अब फाइनली जो सस्पेंस बना हुआ था एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, ट्विस्ट टर्न के बीच में, अब फाइनली येदुरप्पा आज 9 बजे शपथ लेंगे, तो ये एक अहम ट्रिगर है। इसके अलावा और भी अहम ट्रिगर हैं जो आज बाजार की चाल को तय करेंगे, उन्हीं पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी, येदुरप्पा 9 बजे लेंगे शपथ, ये एक इम्पॉर्टेंट संकेत भारतीय बाजारों के लिए। इसके साथ ही जो ग्लोबल संकेत हैं आज यूएस मार्केट से, एशियन मार्केट से, वो भी पॉजिटिव ही हैं, तो वहां भी ध्यान देना होगा। कच्चा तेल में तेजी बनी हुई है, ब्रेंट क्रूड $79 के पार निकला है और मॉर्गन स्टैनले ने $90 तक की बात कही है। बैंक्स में एक्शन दिखेगा क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो वहां भी ध्यान रहेगा आज के सत्र में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, वो है कर्नाटक की, और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के बीएस येदुरप्पा आज सीएम पद की शपथ लेंगे। कल राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में येदुरप्पा के आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी और शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की अपील भी की थी। देर रात चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट येदुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी येदुरप्पा आज तय वक्त पर यानी सुबह 9 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से 2 बजे तक विधायकों की पूरी लिस्ट मांगी है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो कल सुबह 10:30 बजे होगी। तो ये अहम संकेत जो कर्नाटक से मिल रहा है और एक संकेत मिल रहा है ग्लोबल बाजारों से, और वो संकेत क्या है, क्या इंडिकेशंस हैं, ये जान लेते हैं। मेरे सहयोगी रजत मौजूद हैं, बताइए रजत। बिल्कुल पॉजिटिव संकेत हैं दीपाली, और एसेक्स निफ्टी चाहे फ्लैट, भले ही फ्लैट कारोबार कर रहा हो, कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं हो, लेकिन एशियन मार्केट्स आज जबरदस्त चाल में है और ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स में हरे निशान में कामकाज हो रहा है, तो बाजार पे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहेगा। एसेक्स निफ्टी फ्लैट है, लेकिन आप बाकी के एशियन मार्केट्स देखिए, निके में 0.5% के गेंस मिल चुके हैं, हैंगसेंग की ओपनिंग पॉजिटिव 0.5% के गेंस के साथ, और कॉस्पी की शुरुआत भी आज 1/4% के गेंस के साथ ही होती हुई नजर आई थी। स्ट्रेट टाइम्स ताइवान में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं ग्लोबल सेटअप स्ट्रांग है। अमेरिकी बाजार कल के सत्र में 0.5% के आसपास की तेजी शो कर रहे थे, और यहां पर इंपॉर्टेंट यह था कि एक शेयर था मैकीज जो कि रिटेल कंपनी है, उसके नतीजे बहुत बेहतर आ गए और उसने तेजी बनवा दी रिटेल कंपनियों में, कल जोरदार तेजी देखने को मिली यूएस मार्केट्स में रिटेल सेक्टर में। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखिए, ये लगातार बढ़ रही है और अभी ये 3.11% पर, यानी कि 2014 की ऊंचाई पर। दूसरा ट्रिगर कच्चे तेल में तेजी, $79 के पार निकला है और ये तेजी बढ़ रही है। कल IEA का फोरकास्ट भी आया था और उन्होंने भी ग्लोबल डिमांड घटने की बात की है 2018 में, लेकिन उसके बावजूद क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और मॉर्गन स्टेनले की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि 2020 तक $90 प्रति बैरल की कीमतें जो है वो छू सकता है क्रूड, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए डेफिनेटली रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूएस के साथ बैठक से मना नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया, ये भी इस समय सूत्रों के और एक्सपर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर समझा जा सकता है। तो मिले जुले संकेत इंटरनेशनल मार्केट से आने वाले समय के लिए मिलेंगे, लेकिन आज अगर देखें तो सेटअप स्ट्रांग है, एशियन मार्केट्स की तेज शुरुआत हुई है, एशियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव हुई है। हालांकि एसेक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में कल बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है, तो क्यूज परेशान करने वाले तो नहीं है ग्लोबल मार्केट से, ये कहा जा सकता है, इनफैक्ट थोड़े रिलीफ वाले ही है। एसेक्स निफ्टी 10,765 के लेवल्स पर है। कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों का क्या रवैया रहा है वो आप देख लीजिए। कैश मार्केट में FIIs की ओर से तो बिकवाली हुई है करीब 699 करोड़ की, वहीं DIIs की ओर से खरीदारी तो हुई है लेकिन क्वांटम काफी कम रहा है आम दिनों के मुकाबले। कल 229 करोड़ की खरीदारी DIIs की ओर से कैश मार्केट में हुई है। F&O में FIIs की ओर से 1215 करोड़ की पोजीशंस बनी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में 2270 करोड़ की खरीदारी FIIs की ओर से की गई है। लेकिन तमाम संकेतों के बीच में करना आज आपको क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का जहां रोज हम बात करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग, पहले तो कर्नाटक की बात करेंगे, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, ट्विस्ट टर्न के बीच में फाइनली ये तो क्लियर हो गया है कि आज बीजेपी के येदुरप्पा शपथ लेने जा रहे हैं, कैसे लेगा बाजार इसको? थोड़ा तो पॉजिटिव है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी भी शायद इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, शपथ ग्रहण हो रही है, बहुमत साबित किए जाएंगे, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार को अभी भी कर्नाटक से नजरें हटानी नहीं है। थोड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं सेंटिमेंट के लिहाज से कि बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है, लेकिन जब तक बहुमत साबित होकर फाइनल हो जाए
तब तक बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर और किस तरह के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे ये आपको हमें पता नहीं है। राजनीति है तो राजनीति काफी कुछ एक्शन दिखाएगी, तो मुझे लगता है जो हम सोच रहे थे कि शायद जल्दी ड्रामा खत्म हो जाए वो होगा नहीं, कम से कम आज कल तक आपको और अभी भी कर्नाटक में नजर रखनी है। लेकिन एक बात साफ है दीपाली, वो ये कि कर्नाटक के दम पर अब बाजार बहुत ऊपर नीचे हो जाए इसकी संभावना कम है, यानी कि निफ्टी पर 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव किसी भी तरफ देने की ताकत अब कर्नाटक में बची नहीं है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे फिर कर्नाटक से हटकर हम अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर और बाकी दूसरे जो फैक्टर्स है उन पर काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए करना क्या चाहिए कर्नाटक के क्यूज को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज को देखते हुए, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, दोनों इंडेक्स पर क्या पोजीशंस बनानी चाहिए किस तरीके से? थोड़ी कमजोरी के संकेत बैंक निफ्टी में ज्यादा आए हैं कल एक दिन पहले, ठीक एक्सपायरी किया और हम कल बात भी कर रहे थे कि देखिए कमजोरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी और वो आज भी हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी रेंज बड़ी है 26,000 से लेकर 26,500, इसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है और 26,000 टूटा तो समस्या ज्यादा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ना टूटे। और ऊपरी स्तरों पर 26,400 26,500 की रेंज में अच्छी खासी सप्लाई भी है तो उसके पार जाना भी मुश्किल होगा। ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि कल की रेंज काफी अहम है, उस रेंज की जिस तरफ बाहर निकले बाजार ताकत या मजबूती दिखाएगा, ठीक उसी तरह का रुझान निफ्टी के लिए भी है कि 10,700 10,800 की जो ट्रेडिंग रेंज है उस रेंज में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे, उस रेंज के जिस तरफ बाहर निकले 100 पॉइंट का बड़ा मूव एक दो दिनों में आने की संभावना हो सकती है, यानी कि 10,700 के नीचे फिसले तो फिर हो सकता है हम एक दो दिनों में 10,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखे और 10,800 के पार टिक कर क्लोज हो जाए आज तो फिर 10,900 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत में थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का और कर्नाटक के जो संकेत है उनको देखते हुए शुरुआत मजबूत हो सकती है, उसके बाद बाजार में ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा दबाव फिर से आ सकता है तो उतार चढ़ाव रहेगा। ठीक है, शुक्रिया अनिल जी आपका बातचीत करने के लिए। तो उतार चढ़ाव रह सकता है बाजार में, दायरा आपको बताया गया है, शुरुआत में बहुत अग्रेसिवली ट्रेड ना लें, पोजीशंस थोड़ी सी हल्की रखें और 10,700 से 10,800 के दायरे में निफ्टी घूम सकता है। बैंक निफ्टी की क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो जैसे कि अनिल जी ने कहा कि जो ट्रेडिंग रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, 26,000 से 26,500 के दायरे में बैंक निफ्टी घूमता हुआ दिख सकता है। 10,700 के नीचे स्लिप होगा निफ्टी तो 10,600 जा सकता है आज नहीं अगले एक से दो दिनों में, और 10,800 को पार करके टिका तो मजबूती बन सकती है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, इस रेंज को ध्यान में रखें। ये तो बात हुई इंडेक्स की, लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से भी आज का दिन अहम रहेगा, स्पेशली नतीजों के हिसाब से। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन तमाम स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। टाटा स्टील के नतीजे आ चुके हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के आज नतीजे आने हैं और साथ ही एस्कॉर्ट्स, एसआरएफ, ये कुछ और कंपनियां हैं, वोल्टास है, जिनके नंबर्स आज आएंगे, ध्यान रहेगा। लेकिन कौन से ऐसे, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनके नंबर्स को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं ये समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी पूजा मौजूद भी है रिजल्ट्स पर बात करने के लिए। पूजा, पहले तो अर्निंग्स के बारे में ही बताइए, स्पेशली बजाज फाइनेंस क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के लिए? बजाज फाइनेंस से अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं ट्रेंड काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए। इनका जो रूरल सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ फोकस्ड बैंक कंपनी है ये, तो ग्रामीण सेगमेंट से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हम कर रहे हैं। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 45% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और NII में 37% की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। वहीं AUM की बात करें तो वहां पर हमारा अनुमान है कि 35% की बढ़त देखने को उम्मीद की जाती है। प्रोविजनिंग में हल्की बढ़त होगी क्योंकि क्वार्टर फोर है और हम देखते हैं कि कंपनियों की प्रोविजनिंग में हल्की बढ़त देखने को जरूर मिलती है तो उसका कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, लेकिन कुल मिला के नतीजे अच्छे रहेंगे बजाज फाइनेंस की तरफ से। अब वही वोल्टास की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, घरेलू AC सेगमेंट से 15% के ग्रोथ की संभावना है और हाल में बढ़ाए गए जो दाम है उसे भी कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा और हमारा अनुमान है कि 10.7% के सामने ये जो आंकड़ा है वो 11.6% देखने को मिल सकता है। तो वोल्टास की बात करें तो नतीजे तो फ्लैट रहेंगे, जो मुनाफे का नंबर आएगा वो तो फ्लैट रहेगा लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर और एबिटा के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे रहेंगे, आय में हमारा अनुमान है कि करीब 14% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वोल्टास और बजाज फाइनेंस दोनों के नतीजों पर नजर रहेगी आज के सेशन में। हालांकि बजाज फाइनेंस कल थोड़ी सी मजबूती लेकर बंद हुआ था और वोल्टास हल्का सा कमजोर हुआ था। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, SRF, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रिजल्ट्स के हिसाब से आज काफी अहम रहने वाला है। शुक्रिया पूजा आपका ये डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब सुमित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे स्पेशली जानेंगे तो टाटा स्टील के नतीजे कैसे आए हैं, नतीजों के बाद कैसा एक्शन आज स्टॉक में दिख सकते हो और आज और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर खबरों का इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए चलिए इसी स्पेशल सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, यानी
स्टॉक्स टू वॉच का, स्टॉक्स टू वॉच की ओर रुख कर लेते हैं। तो स्टॉक्स टू वॉच की अब रुख करते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या क्या खबरें हैं आज के लिए? शुक्रिया दीपाली। देखिए सबसे पहले तो आज टाटा स्टील के नंबर्स क्रूशियल है। सबसे पहले टाटा स्टील के नंबर्स कल मार्केट आज के बाद आए थे। ऑन अ फेस ऑफ इट तो नंबर्स आपको ठीक ठाक ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर उसमें एडजस्टमेंट जो है 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद जो कंपनी है वो मुनाफे से घाटे की तरफ लौटते दिखाई पड़ी है। आय करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास आई है, घाटे से मुनाफे में ऑन अ फेस ऑफ इट दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा आया इसके अंदर 11,000 करोड़ रुपए का एक एडजस्टमेंट है वन टाइम का, उसको एडजस्ट कर देंगे तो घाटे के अंदर आई है। एबिटा फ्रंट पर भी जो मार्जिन है वो करीब 2% के आसपास टूटे हैं, तो उसका एक इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा। तो एक नेगेटिव साइड पे टाटा स्टील के नंबर्स का एक रिएक्शन जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा जेके पेपर के भी नंबर्स आए हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स आए हैं। नंबर्स की बात करिए तो मुनाफा करीब 19.5 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ रुपये इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है, और आय भी करीब 807 करोड़ से बढ़ के 897 करोड़ रुपये इस तिमाही के अंदर आई है। एबिटा फ्रंट पे भी 98 करोड़ से बढ़के 127 करोड़ रुपए एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ओवरऑल नंबर्स के बेहतर साइड पे ही कह सकते हैं, करीब 2.5% के आसपास मार्जिन बढ़े हैं, तो एक होता पॉजिटिव साइड पे रिएक्शन आता दिखाई पड़े जेके लक्ष्मी सीमेंट में। साथ ही साथ नंबर्स के अलावा पीटीसी एक और ऐसी कंपनी के नंबर्स पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े मुनाफे फ्रंट पर, क्योंकि जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके नंबर्स वीक थे पीटीसी फाइनेंशियल के, तो पीटीसी के कंसो नंबर्स में भी उसका एक इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है, मुनाफे में ड्रॉप है। आय फ्रंट पे हालांकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन ओवरऑल एबिटा जो है मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही आता हुआ दिखाई पड़ा है, 90 से 93 करोड़ रुपए के आसपास है। तो बहुत बड़े एक फायरवर्क की उम्मीद आप यहां ना लगाएं। इसके अलावा कुछ फंड रेजिंग की एक्टिविटीज रिलेटेड खबरें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जहां पे कंपनी 300 करोड़ रुपए के आसपास रेज कर सकती है और सिक्योरिटीज जरिए ये फंड रेजिंग की बातचीत है। और इसके अलावा सिप्ला से रिलेटेड भी यहां पे खबर है कि 22 मई कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसके अंदर फंड रेजिंग को लेकर कुछ फैसले कंपनी कर सकती है, और यहां पर भी शेयर जारी करने के ऊपर कुछ विचार कर सकती है, तो उसका सिप्ला में कुछ इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये स्टॉक्स बताने के लिए। तो सिप्ला पर नजर रहेगी, कल टूटकर बंद भी हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट आज का स्टॉक रहेगा टाटा स्टील, जहां पर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही लग रहे हैं और इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर साइड पर लग रहे हैं अगर एबिटा की परफॉर्मेंस हटा दे तो, और ज्यादातर ब्रोकर हाउसेज ने टारगेट्स भी रेज किए हैं जो कि हम आपको आगे शो के दौरान बताएंगे भी। नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट आनंद रेड्डी सिक्योरिटीज से, उनसे बातचीत करते हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग, पहले तो अपना आउटलुक दीजिए निफ्टी पर, उसके बाद स्टॉक्स बताइए कहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। हाय गुड मॉर्निंग दीपाली जी, निफ्टी की बात करूंगा। निफ्टी में कल डेफिनेटली चार्ज स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, एक थोड़ा सा स्मॉल ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कल के सत्र में अगर हम देखें तो एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया था, 10,700 से 10,800 की एक ट्रेडिंग रेंज थी। तो मेरा ये मानना है कि आज शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट होती है, तो हमको वो निफ्टी में बाय करके चलना चाहिए, 10,690 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में ज्यादा बड़ी अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10,800 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मीडियम टर्म चार्ट देखें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो 10,900 का एक इमीडिएट टॉप निफ्टी में बन चुका है, और ऑन द डाउन साइड 10,600 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ब्रॉडर रेंज 10,600 से 10,900 की रहेगी, और शॉर्ट टर्म आज की ट्रेडिंग रेंज 10,700 से 10,800 की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेटा अगेन इंडिकेट सेम इंडिकेशन दे रहा है, 10,700 और 10,600 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल एंड पुट साइड रिस्पेक्टिवली। तो ओवरऑल एक ट्रेडिंग रेंज जो मैंने बताई वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वहीं बैंक निफ्टी अगर देखें तो आज वीकली एक्सपायरी है, और जैसे कि अनिल जी ने बताया कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। उसका मेन रीजन है जो इंडेक्स हैवी वेट है उसके अंदर कल एक टेकडाउन देखने मिला है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स में कल एक टेकडाउन देखने मिला है। उसकी वजह से आज वीकली एक्सपायरी में निफ्टी में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक नैरो रेंज हम कहना चाहें तो 26,000 to 26,500 की नैरो रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे कि आज थोड़ी सी शुरुआत में तेजी की एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों स्टॉक मेरे पास रहेंगे निलेश आज के लिए, जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। यस दीपाली, मेरा पहला स्टॉक होगा मैरिको में बाय करने की सलाह होगी। मैरिको में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, और कल पूरे एफएमसीजी स्पेस में बाइंग देखने को मिली थी हमको, तो मैरिको एक स्पेस है जिसके अंदर यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद काफी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 315 का, और अपसाइड में टारगेट 326 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 332 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा अरविंद लिमिटेड में, अरविंद लिमिटेड में क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग और
मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक सपोर्ट के यहाँ से रिवर्सल कैंडल बना है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी बाइंग करने की सलाह होगी। 416 का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड में 433 के टारगेट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया नीलेश आपका। स्टॉक्स जो इन्होंने दो बताए हैं वो है मैरिको और अरविंद, दोनों में ही तेजी की पोजीशंस आज आप बना सकते हैं। कुछ और हाउसेस की ओर से हमें कॉल्स मिली हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से जो रिकमेंडेशन आ रही है वो कोलगेट पर है। कल एफएमसीजी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने भी पिक किया कोलगेट को। 1215 का टारगेट है, 1164 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी रिकमेंडेशन है एडलवाइस पर, कल जोरदार मजबूती लेकर ये स्टॉक बंद हुआ था, वो तेजी आज ही बरकरार रह सकते, इसलिए 334 के लक्ष्य आ रहे हैं एडलवाइस पर। स्टॉप लॉस आपको 314 के पर बनाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग ने पिक किया है गोदरेज कंज्यूमर को, 1170 का लक्ष्य आज इंटरडे के लिए रेकमेंड किया जा रहा है, 1049 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। दूसरे पिक है चॉइस ब्रोकिंग की ओर से अपोलो टायर्स, 2% बढ़ा था कल ये स्टॉक, आज के लिए 312 का लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 285 के स्तर पर मेंटेन करना है। वे टू वेल्थ ने पिक किया है पेडलाइट को, 1114 के लेवल्स के लिए आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं, 1079 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। और साथ ही C8 इन्होंने पिक किया है, तेजी करने की ही सलाह है, 1445 का लक्ष्य रहेगा, 1390 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। IDBI कैपिटल, इनकी ओर से भी एक रिकमेंडेशन आ रही है, वो है ट्रेंड, खरीदारी करने की सलाह है, 355 का आपको लक्ष्य रखना है आज के लिए, और 335 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी को, उसके बाद कमोडिटीज को रुख करेंगे। हालांकि ज्यादातर एशिया बाजार जो है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं, एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल शांत है, 3 अंक नीचे 10760 के स्तर पर है। लेकिन आज आपको कमोडिटीज में कहां पर स्ट्रेटेजी बनानी है ये जान लेते हैं। अजय बाहेटी हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। अजय गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी दो कमोडिटीज आज इंट्राडे के लिए रेकमेंड कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? वेल गुड मॉर्निंग दीपाली, आई थिंक फर्स्ट कमोडिटी M6 गोल्ड रहेगी। पिछले दो सेशन में हमने देखा है करीब 500 रुपए की गिरावट M6 गोल्ड में आई है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए एक पुल बैक रैली के लिए गोल्ड बाय किया जा सकता है। 30,950 पे बाइंग कर सकते हैं, लक्ष्य रहेगा 31,250 से 31,300 का। ठीक है, तो सोने में खरीदारी करने की सलाह है 31,300 के लक्ष्य के लिए, 30,800 का स्टॉप लॉस। किस लेवल पर बाय करना है? 30,950 जी। ठीक है, इसके अलावा क्रूड में भी कोई रणनीति रखेंगे क्या आज के लिए? अजय क्रूड अभी भी तेज है पैरिटी वाइज, अगेन क्रूड की करंट पैरिटी 4,860 है, ऊपर ही खुलेगा, इसमें ट्रेंड अभी भी तेजी का ही है, तो आई थिंक बाई की रणनीति ठीक रहेगी। 4,830 का एक इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट है MCX पर, जहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 4,780 का, अपसाइड में लक्ष्य रहेगा 4,900 का। ठीक है, 4,900 का लक्ष्य रहेगा तेजी की तरफ, 4,830 के स्तर पर क्रूड में खरीदारी करनी है 4,780 के स्टॉप लॉस के साथ। एक रुपए पर भी अपना व्यू दीजिए, कल तो हमने एक कमजोर शुरुआत के बाद एक अच्छी रिकवरी देखी थी, 0.5% रिकवर होकर रुपया बंद हुआ था, आज कैसी शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोई ट्रेड लेंगे क्या? देखिए शुरुआत शायद फ्लैट ही रहेगी, लेकिन कल जो रुपए में मजबूती आई है वो शायद आज कंटिन्यू रहे। इंट्राडे में 6790 के तरफ अगर पुल बैक मिले तो बिकवाली की सलाह रहेगी, इंट्राडे का लक्ष्य रहेगा 67.60 का। ठीक है, चलिए शुक्रिया अजय आपका ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। तो 67.60 ये लेवल रहेगा जिसको बतौर टारगेट आप पोजीशंस बना सकते हैं बिकवाली के रुपए डॉलर पर, 68.10 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, यानी ये मजबूती आज रुपए में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की सलाह है और क्रूड में भी तेजी की पोजीशंस आज के लिए बताई गई हैं। फटाफट से आपको बताते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट और हम शुरुआत करेंगे टाटा स्टील से। टाटा स्टील के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद मैक्वायरी, क्रेडिट स्विस और CLSA, तीन रिपोर्ट्स आपको बता देते हैं। मैक्वायरी ने टाटा स्टील पर जो टारगेट दिया है वो 860 का दिया है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, 860 के टारगेट दिए और CLSA बाय करने की सलाह दे रहा है। और सबसे बड़ा टारगेट CLSA का ही 920 के लक्ष्य के लिए CLSA की तेजी करने की सलाह है टाटा स्टील में। इसके अलावा TVS मोटर्स, कल बाजार बंद होने से पहले नतीजे आए थे TVS मोटर्स के, यहां पर मैक्वायरी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, दोनों ने टारगेट्स को घटाया है, अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है टीवीएस मोटर पर वो है CLSA की, उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखी है और जो लक्ष्य दिया है वो 360 का दिया है टीवीएस मोटर्स पर।
इसके अलावा आईटीसी पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और वो उन्होंने बाय रेटिंग दी है आईटीसी पर, जो टारगेट दिया है सीएलएसए ने वो 340 का दिया है। इसके अलावा एडलवाइस की होल्ड रेटिंग है, मॉर्गन स्टैनले की ओवरवेट रेटिंग है, लेकिन दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस का जो लक्ष्य है वो 320 के आसपास है, लेकिन सीएलएसए ने 340 के लक्ष्य दिए हैं आईटीसी पर। इसके अलावा क्विकली आपको बता देते हैं हिंडाल्को पर एक रिपोर्ट जो कि मैक्वायरी की है, इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और 305 के टारगेट दिए हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस और सिटी दोनों की ओर से बाय रेटिंग आई है, क्रेडिट स्विस का लक्ष्य है 310 के और सिटी के जो लक्ष्य हैं वो 325 रुपए प्रति शेयर के। तो ये अलग अलग हाउसेस की ओर से रिपोर्ट्स आई हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, टीवीएस मोटर्स और आईटीसी पर, जहां पर आज एक्शन दिख सकता है। फटाफट से एक बार फिर आपको बता देते हैं आज के अहम ट्रिगर्स जिन पर आपको नजर रखनी है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी, येदुरप्पा आज 9 बजे शपथ लेंगे। साथ ही ग्लोबल संकेत आज अच्छे हैं, यूएस मार्केट बढ़कर बंद हुए हैं, एशियाई बाजार मिले जुले हैं और सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल शांत ट्रेड कर रहा है। क्रूड में उबाल है और कच्चा तेल ब्रेंट पर करीब $80 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है तो वहां पर एक उथल पुथल आज रह सकती है, 26,000 से 26,500 ये दायरा बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए रह सकता है। रिजल्ट्स के लिहाज से भी अहम दिन है, टाटा स्टील के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, वहां पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स, वोल्टास ये कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे आज पेश करेंगे। तो ये अहम ट्रिगर्स आज के लिए रहे हैं।